दोस्तों YouTube 12 अक्टूबर को जो है एक नया अपडेट रिलीज करने वाला है जिससे मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये जो क्रिएटर्स होंगे ये बड़े क्रिएटर्स नहीं होंगे, ना ही मीडियम क्रिएटर्स होंगे, ये सारे ही जो होंगे ये एक छोटे क्रिएटर्स होंगे जिनको ये फायदा मिलेगा 12 अक्टूबर से। तो ये फायदा कौन सा है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अपडेट से छोटे क्रिएटर्स को फायदा होने वाला है, लेकिन कितने छोटे क्रिएटर्स को फायदा होने वाला है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जिन YouTube क्रिएटर्स के 500 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। दोस्तों जिन भी YouTube चैनल्स पर 500 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उन सभी को YouTube जो है अब कम्युनिटी टैब यानी कि कम्युनिटी पोस्ट का फीचर देने वाला है, जो कि पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पर मिलता था, लेकिन YouTube ने ये डिसीजन लिया है कि इसे अब 500 सब्सक्राइबर्स पर ही देना शुरू कर देगा YouTube, जिससे कि मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स को फायदा होगा क्योंकि उनके 1000 से कम सब्सक्राइबर्स होते हैं बट 500 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी रहते हैं, तो ऐसे में उन सभी को इसका फायदा मिलेगा और 1000 सब्सक्राइबर्स हुए बिना ही उनको कम्युनिटी टैब का फीचर दे दिया जाएगा। और ये आपके चैनल पे आपके ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए भी बहुत काम आएगा क्योंकि इससे आपकी ऑडियंस काफी इंगेज रहती है। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो डेली वीडियोस नहीं डालते हैं, वो हफ्ते में या महीने में वीडियोस डाल देते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, या फिर वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसको डिस्टेंस में रख के जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में कम्युनिटी टैब का फीचर जो है आपके बहुत कम आएगा आपकी जो इनबिल्ट ऑडियंस है उनको इंगेज रखने के लिए। सो दोस्तों ये तो बात रही उस अपडेट की, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि 12 अक्टूबर को सभी यूट्यूब चैनल्स को जिनके 500 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनको कम्युनिटी टैब का फीचर ना दिया जाए, क्योंकि मिलियंस ऑफ चैनल्स को एक साथ दिया जाना हो सकता है कि बीच में थोड़ा थोड़ा करके ही दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अगर ये अपडेट 12 तारीख को ना मिले तो आपको हफ्ते भर के अंदर ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए घबराइएगा मत कि 12 तारीख को ये अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत जल्द आपके चैनल पे भी आपको मिल जाएगा अगर आपके 500 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।